हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल QCL। आज हम आप लोगों को, जैसा कि आज मंडे है तो आज मैं शीनम मैम आप लोगों को इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ाऊंगी। आज मैं लेटर बी ले रही हूँ, ठीक है। इससे पहले का वीडियो मेरा लेटर ए का था, आज मैं लूंगी लेटर बी। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी। जैसा कि सबको पता ही है वोकैबलरी की स्पेलिंग क्या होती है, और हम क्या ले रहे हैं भाई, लेटर बी। अब मैं लेटर बी से रिलेटेड सारे वर्ड और उनके सिनोनिमस और एंटोनिमस बताऊंगी। लेटर बी वोकैबलरी, तो स्टार्ट करते हैं हम सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड मीनिंग वोकैबलरी की। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा WORD वर्ड। इसकी मीनिंग के साथ हम लिखेंगे वर्ड को। सेकंड कॉलम हमारी हो जाएंगी सिनोनिमस की, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है। थर्ड कॉलम हो जाएगी हमारी एंटोनिम्स की, ठीक है। कॉलम वाइज बना रही हूँ, तीन कॉलम हो जाएंगे हमारे वर्ड के, सिनोनिमस के, एंटोनिमस के। और हम किस लेटर से रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे हैं, लेटर बी, ओके। तो ध्यान रखिएगा, हम आज लेटर बी से रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मैं हर लेटर के 10 वर्ड बताऊंगी, उनकी मीनिंग, उनके सिनोनिमस, उनके एंटोनिमस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर है हमारा बेस, BASE, बेस। जैसा कि आप सबको पता ही है, बेस की मीनिंग होती है आधार। क्या होती है भाई, आधार, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका हम पता करेंगे सिनोनिमस। सिनोनिमस बेस का होता है LOW, कैपिटल MEAN, मीन। और एक होता है IGNOBLE, क्या है भाई, इग्नोबल, ठीक है। अब इसका एंटोनिमस देखते हैं हम। इनके एंटोनिमस है बेस के नोबल एंड NOBLE, नोबल, ओके। और एक होगा एक्सेल्टेड, EXALTED, एक्सेल्टेड। सेकेंड लेटर है हमारा, ध्यान रखिएगा, बॉइस्चर्स। सेकेंड लेटर है हमारा BOISTERROUS, बॉइस्टरस, ठीक है, बॉइस्टरस। इसकी मीनिंग होती है उद्यमी, शोरगुल मचाने वाला। जैसे बच्चे होते हैं ना उद्यमी, वैसे शोर गुल मचाने वाले, किंतु प्रशंसित। इसका सिनोनिमस होता है NOISY, NOISY, STORMY, stormy, stormy नहीं, stormy, STOR, stormy, MY, stormy, ओके। तो इसका हमने सिनोनिमस देखा बॉइस्टरस का, बॉइस्टरस। थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, BOIST, बॉइस, BOIS, बॉइस, TER, ROUS, रस, है ना, बॉइस्टरस।
ओके। बॉयस्फेरस की सिनोनिम्स है हमारी नॉइसी एंड स्टॉर्मी, और इसका एंटोनिम्स है कॉम एंड क्वाइट, सी ए एल एम कॉम और क्यू यू आई ई टी क्वाइट। ठीक है, क्वाइट। अब थर्ड लेटर है, थर्ड वर्ड है हमारा, थोड़ा सा मैं क्लीन करूंगी। थर्ड वर्ड है हमारा ब्रेव, बी आर ए वी ई ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है वीर, बहादुर, साहसी, और इनके सिनोनिम्स होते हैं डेयरिंग, बोल्ड। ठीक है, और एंटोनिम्स होते हैं इनके सी ओ डब्ल्यू ए आर डी एल वाई कोवर्डली एंड टिमिड, टी आई एम आई डी टिमिड। ब्रेव वर्ड का सिनोनिमस है डेयरिंग एंड बोल्ड, एंड एंटोनिमस है कोवर्डली एंड टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेटर बी से रिलेटेड ब्रीफ। क्या ब्रीफ? ब्रीफ की स्पेलिंग है बी आर आई ई एफ ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, हिंदी में मीनिंग होती है इसकी संक्षिप्त या फिर अल्पकालिक, अल्पकालिक। तो इसका सिनोनिमस क्या हो जाएगा? शॉर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट एंड सी ओ एन सी आई एस ई, सी ओ एन सी आई एस ई कंसाइज, सी ओ एन सी आई एस ई कंसाइज। इसका एंटोनिमस हो जाएगा डिफ्यूज, डी आई डबल एफ यू एस ई डिफ्यूज, एंड लेंथी, एल ई एन जी एच टी सॉरी एल ई एन जी टी एच वाई एल ई एन जी टी एच वाई लेंदी, लेंदी एल ई एन जी एच टी वाई लेंदी। अब आगे के लेटर और बता रही हूँ, हमारे फोर लेटर हो गए हैं, अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। बाकी के और लेटर मैं आपको बताती हूँ, लेटर बी से रिलेटेड वर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगी उनके सिनोनिमस विथ एंटोनिमस के साथ। तो जितने भी मैं वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको वर्ड बता रही हूँ ये महत्वपूर्ण है। फाइव नंबर है हमारा ब्राइट, बी आर आई जी एच टी ब्राइट का मतलब हर इंसान जानता है, जैसे कि स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं उन्हें ये कहते हैं ब्राइट स्टूडेंट है, ये उनका ब्राइट फ्यूचर है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। इसकी ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नाम से ही विविड इसका सिनोनिमस है, और रेडिएंट आर ए डी आई ए एन टी रेडिएंट भी इसका सिनोनिमस है। विविड की स्पेलिंग है वी आई डी विविड एंड
रेडिएंट, आर ए डी आई ए एन टी, रेडिएंट इसका सिनोनिमस है, और इसका एंटोनिमस है डल एंड डार्क, डी यू डबल एल ड एंड डी ए आर के डार्क। ओके, अब बात आती है छठा वर्ड की। छठा वर्ड है हमारा फिक्स नंबर का वर्ड है हमारा तो सिक्स वर्ड है हमारा ब्रूटल, बी आर यू टी ए एल, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है अति क्रूर एंड हिंसा क्रूर, सॉरी हिंसा पूर्ण, अति क्रूर मतलब बहुत गुस्सा आने वाला, क्रूर यानी गुस्सा ही तो होता है, और हिंसा पूर्ण, हिंसा का सबको ही मतलब पता है जो लड़ाई में उतर आए। ठीक है, इस वर्ड का यूज मर्डर वाले वर्ड के साथ मिला के किया जाता है ना, अ ब्रूटल मर्डर ऐसे कहते हैं। ओके, इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इसका सिनोनिमस होता है क्रूल, सी आर यू ई एल, क्रूल, एंड एंटोनिमस होता है इसका काइंडली, के आई एन डी एल वाई, काइंडली। ब्रूटल का सिनोनिमस है क्रूल, सी आर यू ई एल, क्रूल, एंड एंटोनिमस है इसका के आई एन डी एल वाई, काइंडली। बार बार रिपीट यू कर रही हूँ कि मुझे बस ये वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट सा लग रहा है, कभी ऑप्शन में पूछ सकता है ना। तो क्या कहते हैं, अगला वर्ड लेते हैं हम, सिक्स नंबर हो गए हमारे, अब हम लेंगे सेवन नंबर। सेवन नंबर का वर्ड है हमारा बिहेवियर, बिहेवियर, बी ई एच ए वी आई ओ यू आर, बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है आचरण या फिर व्यवहार, आचरण या फिर व्यवहार। इसका सिनोनिमस होता है नेचर, एन ए टी यू आर ई, नेचर, एक्शन, एटीट्यूड। ये सारे लेटर्स की स्पेलिंग बहुत इजी है, इसलिए चलो फिर भी रिपीट कर देंगे। नेचर की स्पेलिंग होती है एन ए टी यू आर ई, नेचर। एक्शन की स्पेलिंग होती है ए सी टी आई ओ एन, एक्शन। एटीट्यूड की स्पेलिंग होती है ए डबल टी आई टी यू डी ई, एटीट्यूड। और इसका एंटोनिमस होता है बैड मैनर्स, बी ए डी बैड, एम ए डबल एन ई आर एस, बैड मैनर्स, आई एन इन A C T I V I T Y, एक्टिविटी, इन एक्टिविटी। तो हमने क्या समझा कि बिहेवियर का मतलब आचरण और व्यवहार, और इसका सिनोनिमस है नेचर, एक्शन, एटीट्यूड, एंड इसका एंटोनिमस है बैड मैनर्स एंड इन एक्टिविटी। अब हमारा आठवां नंबर का वर्ड है नंबर एट, इसका मैं वर्ड ले रही हूँ बी ई एन ई एफ आई टी, क्या हो गया भाई, बेनिफिट। बेनिफिट जैसे कि आपको सबको पता है इसका मतलब होता है लाभ। अब लाभ से एक और वर्ड निकल के आता है प्रॉफिट, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिमस, पी आर ओ एफ आई टी, प्रॉफिट। और एक हो जाएगा इसका सिनोनिमस एडवांटेज, ए डी वी ए एन
TAGE ADVAN TAGE एडवांटेज. तो इसका एंटोनिमस क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज. DISADVANTAGE डिसएडवांटेज. और लॉस LOSS लॉस. ओके, तो ये था बेनिफिट के सिनोनिमस और एंटोनिमस. प्रॉफिट एडवांटेज सिनोनिमस है और लॉस और डिसएडवांटेज एंटोनिमस. नाइन नंबर का वर्ड है बिटर. जैसा कि आप सबको पता है बिटर की मीनिंग क्या होती है? कड़वा. तो बिटर की स्पेलिंग देख लीजिए, BITTER बिटर. बिटर का मतलब होता है कड़वा. और इसके सिनोनिमस है सॉर, SOUR सॉर हार्श, HARSH हार्श, टार्ट TART टार्ट, एसिड ACID एसिड. ओके, ये इसके सिनोनिमस हो गए. अब इसके एंटोनिमस है स्वीट. बिटर का जस्ट अपोजिट स्वीट इसे है. और एक और बता देती हूँ मैं आपको, प्लीजेंट. और भी बहुत सारे हैं, एक मैं बता देती हूँ, ब्लेंड BLAND ब्लेंड. स्वीट, ब्लेंड, प्लीजेंट, हनीड भी होता है HONEYED हनीड, गुड, नाइस, ये भी होते हैं इसके एंटोनिमस. ओके, तो अब लास्ट वर्ड है हमारा नंबर 10. नंबर 10 में मैं वर्ड ले रही हूँ बोल्ड, BOLD बोल्ड. बोल्ड का मतलब होता है आत्मविश्वासी, निडर, सुस्पष्ट बोलने वाला. और एक और चीज होती है इसकी, साफ. साफ जो बोलता है, सो स्पष्ट और साफ. सो स्पष्ट एंड साफ, ये बोल्ड की मीनिंग है. और इसके सिनोनिमस है बोल्ड के, सेम ब्रेव जैसे ही है, डेयरिंग, DARING डेयरिंग, एंड फियरलेस, FEARLESS फियरलेस. और इसका एंटोनिमस है शाय, SHY शाय, एंड UNADVENTUROUS adventurous. इसका एंटोनिमस है adventurous. तो हमने बोल्ड का क्या देखा? बोल्ड का सिनोनिमस है डेयरिंग, फियरलेस, और एंटोनिमस है शाय, adventurous. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेटर बी से रिलेटेड सारे वर्ड समझ में आए होंगे. उसके सिनोनिमस के साथ, उसके एंटोनिमस के साथ मैंने आप लोगों को 10 वर्ड बताए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे QCL चैनल को सब्सक्राइब करें. और हमारे WhatsApp ग्रुप QCL से जुड़ने के लिए email ID में अपना नाम और QCL लिख कर भेजें, हमें सेंड करें. मैं अपना email ID बताती हूँ, bushra.sarthak@gmail.com. तो इससे संपर्क करें तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं. और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.